money. यार ये बताओ तुम बेवकूफ इंसान है क्या, 10-12 तुम्हारे पास आएंगे, खर्चा नहीं लगता कि आने जाने में, गाड़ी खराब नहीं होती हमारी, 11,000 रुपए के पीछे में 11 बार आ चुका, गाड़ी मेरी कितनी बनी पता है आपको। तो नमस्कार भाइयों और बहनों, आज मैं पापा के साथ मिलकर इस दुनिया की सच्चाई बताने वाला हूँ, ये इंश्योरेंस कंपनीज का फ्रॉड, इंश्योरेंस कंपनी कैसे आम लोगों को धोखा देते हैं, इनके एम्प्लॉयज, इनकी घटिया कंपनी कैसे लोगों को पागल बनाती है, प्रूफ के साथ बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं, देखते रहना आज ये वीडियो को, बहसबाजी हुई, बहुत सारी चीजें हुई, लड़ाई हुई, बहुत कुछ हुआ, आगे दिखाऊंगा। मैं आपको याद होगा कि मैं बीमार हुआ था पिछले फरवरी में, मैं डिस्चार्ज होकर रहता हॉस्पिटल से, मेरी ना एक इंश्योरेंस कंपनी से LIC हुई पड़ी थी, पॉलिसी हुई थी कि आप जो हॉस्पिटल में खर्चा होगा वो सब देंगे। वो पॉलिसी कंपनी इतनी बेकार है, इतनी घटिया है, उसके एम्प्लॉय एकदम घटिया। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखते रहना इस वीडियो को, पापा भी बताएंगे साथ में क्योंकि पापा भी थे उस टाइम। आओ बताता हूँ, मैं गया 19 फरवरी को ओरिएंटल, मेरी जो पॉलिसी थी ओरिएंटल इंश्योरेंस और मेडी असिस्ट, दो ये पार्टनरशिप करके एक पॉलिसी चलती है PNB बैंक के थ्रू, पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू, मेडी असिस्ट की एक पॉलिसी थी। मैं गया ओरिएंटल ऑफिस जनपद के अंदर, जो है कनाट प्लेस के अंदर है, वहां पर गया मैं 19 फरवरी को अपने, मेरा जो वहां पर हॉस्पिटल में बिल था वो तो मेरे को मिल गया, लेकिन जो दवाई का खर्चा होता है, जो टेस्ट होते हैं, उन सब का खर्चा लेने के लिए मैं, मतलब भाई अगर हमने पॉलिसी कराई है तो हमारा हक बनता है ना कि भाई हम पैसे लें उनसे, हमने, हम भी तो पैसे भी तो भरते हैं ना उन्हें, हर महीने, हर साल, हर 6 महीने में पैसे भी तो जाते हैं ना, है ना, जैसे भी जाते हैं तो पैसे तो जाते हैं ना। मैं गया जनपद, 88 जनपद एड्रेस है, कनाट प्लेस में ओरिएंटल इंश्योरेंस का ऑफिस है, वहां पर मेरे को मिले राहुल गिरधर जी, वहां पर मैंने उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए। डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के बाद मैंने उनसे बोला कि भाई ये मेरा कब तक प्रोसेस हो जाएगा, उन्होंने बोला मेरे को, पहले शुरू से बताऊंगा ना, उन्होंने बोला मेरे को कि आपका जो ये क्लेम है थोड़े दिन तक प्रोसेस हो जाएगा, इसका जो अमाउंट जो भी बनता है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये हुई पहली बात, है ना। तो पापा वो स्टैंप दिखा दो वाले जो उन्होंने बोला था कि आपको ये सबमिट, हमारे पास डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए 19 फरवरी को, ये डॉक्यूमेंट्स विद मैं स्टैंप के साथ लेके आया था, उन्होंने सिग्नेचर ना करके एक स्टैंप लगा के दे दी डॉक्यूमेंट्स के साथ में, मैंने पूरा उनको लिख कर दिया कि डॉक्यूमेंट्स के साथ में दिया, मैंने उनको पूरा लिख कर दिया कि ये मेरा क्लेम है, ये मेरे को क्लेम नहीं मिला है, उन्होंने स्टैंप लगा दी और जो ओरिजिनल बिल थे हॉस्पिटल के वो सारे उन्होंने जमा कर लिए और एक स्टैंप लगा कर दे दी। स्क्रीन पर नहीं दिख रहा तो मैं अलग से फोटो डाल दूंगा, जाकर देख लेना, ठीक है, उन्होंने बोला। उसके बाद हम अगले थोड़े दिनों बाद गए, पापा हम थोड़े दिनों बाद कब गए थे जरा डेट बताना, जो आपने लिखी हुई थी वहां पर 19 फरवरी को जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए थे 2 महीने के बाद, मैं लास्ट वीक मई मंथ में गया था, राहुल जी से बात की थी, मैंने कहा 19 फरवरी को मैं डॉक्यूमेंट जमा करके आया हूँ, वो मेरे डॉक्यूमेंट्स TPA में सबमिट नहीं हुए हैं, इसका रीज़न मुझे बताओ क्या है, वो कहता है आप वहाँ TPA जाओ और मेरी कॉल पे बात करवाना, मैं बाकी देख लूँगा। तो उन्होंने वहाँ पर TPA में हम गए, वहाँ पर उन्होंने बोला कि वहाँ से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हम इतने चक्कर काटते हुए रह गए, वहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, लोग पागल बना रहे, मतलब राहुल गिरधर जी, उनकी फोटो दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, इतना बेकार, इतना घटिया एम्प्लॉय है, बहसबाजी करते हैं कि हमें बोलते हैं क्या कर लेगा, नहीं करूंगा तो साइन क्या कर लेगा। आपको बताऊं आगे क्या है, उनकी फोटो दिखा रहा हूं, उनकी ईमेल एड्रेस भी दे रहा हूं, बाकी जो आपको आगे करना है वो आप, हम तो नॉर्मल इंसान है, हम कुछ नहीं कर सकते किसी का, हम सिर्फ अपना क्लेम ले सकते हैं, वो भी उन्होंने नहीं दिया, तो 11,000 रुपए का क्लेम था, 11,000 रुपए बड़ी बात नहीं होती हमारे लिए, लेकिन अगर आपने, आप अमीर बंदे भी हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन अगर आपने क्लेम करवा रखा है ना तो आप भी जरूर लो, क्योंकि आपका हक बनता है, आपने वो क्लेम कंपनी को पैसे भरे हैं हर बार 6 महीने, जैसे भी आप भरते हो, जैसे भी भरते हो, है ना। तो भाई ये बहुत गंदी बात है, उसके एम्प्लॉय, उनके एम्प्लॉय बहुत बेकार हैं, वहां पर उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे, मेरे को स्टैंप लगाकर दे दी, स्क्रीन पर देख लेना, एज अ प्रूफ दिखा दिया, स्टैंप लगाकर दी उन्होंने, देन उसके बाद मैं TPA गया, फिर उसके बाद पापा वहां पर क्या हुआ, वहाँ पे एक विक्की डिप्लॉयमेंट है, मेडिसिस में कंपनी है, वहाँ पर कहाँ पर है बाबा, तेज बिल्डिंग, ITU है, तेज बिल्डिंग के नाम से है, स्टेशन के पास तेज बिल्डिंग, एक तेज बिल्डिंग सेकंड फ्लोर पे एक विक्की अप्लॉयमेंट है, जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, मेरे को 8 चक्कर उन्होंने लगवाए, और बाद में आके ये बोलते हैं पहले तो डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट कर लेते हैं, बाद में आके कहते हैं ये तो स्टैंप चलेगी नहीं। आप क्या कहने मतलब ये स्टैंप हमने फर्जी लगा दी, यही मतलब हुआ ना,
यार ये अब ये बताइए इस टाइम नहीं चलेगी तो ये सबमिट क्यों करते हैं? हाँ। जब सबमिट करते हैं तो बाद में ये बोलते हैं इस टाइम तो ये फर्जी बनती है। पहले भी तो बोल अब सकते हो ना? पहले हम वहाँ पे 19 फरवरी वाला जो डिले वाले उन्होंने बोला डिले की वजह से आपका ये काम क्लेम कम्प्लीट नहीं है, और ये भी बोला जा रहा है कि ये तो स्टैम्प ओरिजिनल है ही नहीं, डुप्लीकेट है। उसके बाद में फिर हमारे को ये बोला जाता है कि आप जनपद से लिखवा के ले गए, और जनपद जब हम गए तो वहाँ पे ये बोला जाता है कि हम आपको एक मेल कर लेते हैं, मेल तो उन्होंने करी नहीं, एक लेटर ऐड पे हमारे को लिख के दे दिया और स्टैम्प लगा के दे दी। जब मैंने स्टैम्प के लिए बोला कि ये स्टैम्प तो हमारे को विक्की साहब कहते हैं ये स्टैम्प तो हाँ। जितनी मर्जी बन जाती हैं, तो मैंने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करी कि इस पे सिग्नेचर कर दो। जब इतना सिग्नेचर बोलते साथी बोला, एकदम से भावुक हो गया लड़ने मरने के लिए, जैसे हमने से कुछ मांग लिया। अपनी रिक्वेस्ट करने के बाद में भी ऐसे सर पर चढ़ के बैठते हैं जैसे अप्लायमेंट को करते हैं बेवकूफ बंदे। हमने ओरिएंटल इंश्योरेंस और टीपीए मेडी असिस्ट दोनों पार्टनर है, ओरिएंटल इंश्योरेंस में हमने कागज जमा कराए तो उन्होंने स्टैंप लगा कर दी। चलो ठीक है, हमने उन्होंने स्टैंप लगा कर दी। हम फिर गए टीपीए वहां पर मेडी असिस्ट में आईटीओ के पास, उन्होंने बोला कि आपको तो स्टैंप नकली है, स्टैंप से थोड़ी ना मान लेंगे हम। फिर हम दोबारा से गए कि डिले का रीजन डाल दो, हमने रिक्वेस्ट करी कि आपकी वजह से डिले हुए, उन्होंने माना कि हाँ हमारी वजह से डिले हुए, उन्होंने मेल भी करी। हमने से बोला कि हमारे पास मेल नहीं आई है, कि आपने मेल करी है हमें सीसी में डालो। आई मेल आई, लेकिन उसके एक डेढ़ घंटे बाद मेल आई, उन्होंने मेरे को प्रिंट निकाल कर दो दिया और स्टैंप लगाई। अब एक बात बताओ, आपको वीडियो दिखाता हूं, ये वीडियो देखो। अभी यहां पर मेडी असिस्ट के विक्की सर बोलते हैं कि स्टैंप थोड़ी ना चलती है, स्टैंप से ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। आप क्या कहने का मतलब, ये स्टैंप हमने फर्जी लगा दी, यही मतलब हुआ ना? यार ये और वहाँ पर ओरिएंटल ऑफिस में कहते हैं कि स्टैंप नहीं, स्टैंप ही लगेगी, साइन नहीं होंगे। ठीक है, आपने मेरे को कॉपी दे दी, सामने वाला कहता है तो उसको टाइपिंग करवा के देंगे, क्या कहूँगा मैं, बोलो आप ही बोलो। बताओ ना, इधर से छोड़ रहे हैं ना इधर से छोड़ रहे हैं भाई, क्लेम लेने के लिए पागल हो जा रहे हैं हम। अपना क्लेम ले रहे हैं, अपने हक का पैसा ले रहे हैं, किसी से लेते किसी की तो पैसे ले लेते हैं, बाकी जब क्लेम की बारी है तो क्लेम देने में क्या पता है लोगों, ये अपनी जेब से दे रहे हैं क्या क्लेम? किसी की कंपनी में पैसा चोरी नहीं कर रहे हैं हम, अपने हक का पैसा मांग रहे हैं क्योंकि हमने उसमें पैसा भरा है। सारे डॉक्यूमेंट सारे सब कुछ है मेरे पास, कितने टाइम में गया, सारी उनके पास सीसीटीवी भी होगी, विक्की सर का आई कार्ड जो मेडी असिस्ट में है, उनका आई कार्ड, उनकी इमेज, उनकी वीडियो। और राहुल गिरधर जी सबसे बेकार अब्यूज करते हैं लोगों को, उल्टा बोलते हैं। वहां पर उन्होंने मेरे मुंह पर चढ़कर बोला मारेगा क्या, ऐसे हम आराम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे बोलते हैं। बताओ उनकी वीडियो सब कुछ, मेरे पापा ने उनसे बोला कि ये साइन मांगने के लिए एक साइन, और हमारे पास मेल नहीं आ रही तो हम साइन तो मांगेंगे ना, ऐसे कंफर्मेशन साइन कर दो स्टैंप वहां पर। विक्की मना करता है, स्टैंप उन लोगों को चाहिए, साइन नहीं करते हो। विक्की सर मेडिसिस के बोलते हैं कौन सी गवर्नमेंट का दरवाजा खड़काएं, ये कौन सी कंपनी है जो गवर्नमेंट को ये एजेंसी देती है, बताओ अब कहां जाएगा कोई आम बंदा। हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो करेगी वो जनता करेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। हम हाथ जोड़ रहे हैं इन कंपनी मेडी असिस्ट, ओरिएंटल इंश्योरेंस, एलआईसी ऑफ इंडिया, सारे सरकारी काम होते हैं। वहां के एम्प्लॉय पता क्या बोलते हैं जब मैं वहां वीडियो बनाता हूं, भाई मत कर वीडियो, सरकारी ऑफिस है, अंदर हो जाएगा, पैसा चुरा रहा हूं तुम लोगों का, पैसा चुरा रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, और पूरे ऑफिस में कहीं की गलती की वजह से वीडियो बन रही है, हम अपनी मर्जी से वीडियो नहीं बना, पूरे ऑफिस में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि वीडियो इज प्रोहिबिटेड, फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड। वो सरकारी ऑफिस है, वीडियो हम बना सकते हैं, कहीं पे लिख सकते हो तुम, कहीं पे नहीं लिखा ना उस ऑफिस के अंदर, तुम कुछ भी करो, जो मर्जी कर सकते हो, जो मर्जी बोल सकते हो। सब्सक्राइबर अगर वीडियो बनाने का हकदार है क्या नहीं है, आप इस चीज को दावे के साथ बोलना, इस वीडियो को इतना शेयर करो मेडी असिस्ट ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के पास तक जाए। और एक बात सुन लो, जो ये कंपनी के एम्प्लॉय देख रहे हैं ना, अपोलॉजी ईमेल नहीं आएगी, कुछ पैसा वैसा लेकर ये वीडियो नहीं हटेगी, ये वीडियो हमेशा डली रहेगी। तुम लोगों की कंपनी के बारे में, एम्प्लॉय के बारे में पता तो चले जनता को कि तुम करते क्या हो लोगों के साथ, तुम लोगों को पागल बनाते हो, अपने हक का पैसा मांगा, तुमसे जेब से पैसा नहीं मांगा, तुमसे तुम्हारे ऑफिस में आकर हमने चोरी नहीं करी है, समझ रहे इस बात को। सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के साथ अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है ना। बस इस वीडियो में इतना ही, अच्छी लगी हो ना लगी हो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो को मेरे को बनाना था और जनता तक पहुंचाना। और अब एक बात और सुन लो, बहुत जरूरी है, आपने सुना होगा कि हम ओरिएंटल ऑफिस गए, वहां पे हमने पेपर जमा कराया, वहां पर उन्होंने पेपर सबमिट नहीं करे, ओरिजिनल रख लिए, वो ओरिजिनल पेपर भी हमें वापस नहीं मिले। फिर हम गए वहां पर आईटीओ मेडी असिस्ट के ऑफिस में, वहां पर हमने फोटोकॉपी जमा कराई, फोटोकॉपी हमने वहां ओरिजिनल इंश्योरेंस में पेपर जमा कराने से पहले फोटोकॉपी करा कर रख लिए थे, कहीं आप बोलो कि वहां तूने ओरिजिनल जमा करा दिए, वहां पर वो करा
करा दिए, फिर वहां पर तूने जमा कैसे कराया? फोटोकॉपी करवाई थी हमने, है ना बाबा, फोटोकॉपी कराई थी ना। उसके बाद हम विक्की सर के पास गए, वहां पर मेडी असिस्ट, उन्होंने बोला 7-8 चक्कर लगा लिए, उन्होंने बोला मोना मैम है वहां पे, एक मोना मैम है वो उनकी हेड है, वो करेंगी आपका एक लिए क्लेम क्लियर। यूं बोलता था जाकर सर, यूं बोलते थे सर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं सर, हो जाएगा। मोना मैम का मोबाइल नंबर यहां पर स्क्रीन पर दिया हुआ है, मोना मैम को भेजो, जो करना है करो, मोना मैम का नंबर दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। और हां, विक्की सर के एक मैनेजर हैं वहां पर, एक महेश सर, उन्होंने बोला कि आपके जो डॉक्यूमेंट है ये डिले हो गए हैं, है ना, डिले का मैंने जब प्रूफ दे दिया, मैं जनपद पे 19 फरवरी को डॉक्यूमेंट्स दे के आया और उन्होंने हमको इन्फॉर्म भी नहीं किया, और मैं गया था लास्ट वीक मई मंथ में बताया गया था कि ये जो आपका लेटर है ये हमें कुछ पता नहीं आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। मैं कहा आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, ये ऑफिस किस बात का है, डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं पता, और 19 तारीख को मैं आपके यहाँ से रिसीविंग लेके गया हूँ तो आपने मेरे को ना इन्फॉर्म किया ना मेरे को कुछ बताया गया। मैं अगर 2 महीने बाद अगर पहुँचता हूँ आपके पास में मई महीने में तो आप ये कहते हो आप TPA पे जाओ, TPA पे जाने के बाद में आपकी समस्या का समाधान ना हो तो फिर हमारे को मेल करना और या तो ऑफिस का नंबर ले लो, कॉल करना। ऑफिस का नंबर कभी नहीं उठाते, कितने चक्कर लगा लिए, कितने कुछ कर लिए, सब कुछ कर लिया, ऑफिस का कोई नंबर नहीं उठाता, कोई एम्प्लॉय इनका फोन नहीं उठाता, बस चक्कर पे चक्कर लगवाते हैं, चक्कर पे चक्कर। और पता है क्या कह रहे महेश सर, विक्की सर के मतलब हेड, पता है क्या कह रहे मेरे को, हमें कह रहे कि आप ओरिएंटल इंश्योरेंस जाओ, वहां से लिखवा कर आओ कि ये डिले क्यों है, हमारी गलती है, ओरिएंटल इंश्योरेंस ने वहां पर आपको सबमिट नहीं करे, हम क्यों लिखवा कर आए, हम क्यों चक्कर लगाए बार बार। आप करोगे ना जो करोगे वहां पर, उनसे मेल से पूछो हम बार बार क्यों चक्कर लगाए, हमने अपना टाइम पर पेपर सबमिट करा, सब कुछ करा, हमारे पास स्टैंप भी है, बताओ क्या करते हैं मोना मैम, महेश सर और भी पता नहीं क्या करते हैं, समझ नहीं आता। इन सरकारी कंपनियों का नाम डूबना चाहिए, सरकारी कंपनी, इनसे पेपर नहीं संभले जाते, ये जो पेपर है ना ये संभालते नहीं है ये लोग, 2 महीने से पेपर उन्होंने गायब ही कर दिया, 2 महीने हो गए पेपर ही भगा दिए, हर रिकॉर्ड होता है, पुलिस वाले के पास भी जाओगे ना FIR का प्रूफ निकलवाने, FIR कितने साल की भी निकलवा लो आप निकल जाती है। ओरिएंटल इंश्योरेंस सरकारी कंपनी है, किस नाम की सरकारी कंपनी बताओ, कुछ करती नहीं है, ये सारे एम्प्लॉय बेकार है। शेयर कर दो इस वीडियो को जितना करना था बस इस वीडियो में, बाय बाय, और जो बाकी आपको करना है करो, बाय बाय, बहुत हुआ यार, बहुत हुआ इस कंपनी का, बाय बाय।